हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ तो जैसा कि आपको पता है इस चैनल पर अभी जॉन मिल्टन के एम की सीरीज चल रही है इसी सीरीज में आज की वीडियो है इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा चुकी हूँ जॉन मिल्टन पर मिल्टन पर बेस्ड और इसमें भी मैं कुछ क्वेश्चंस को कराऊंगी ठीक है हो सकता है एक दो क्वेश्चन रिपीट हो क्योंकि जब हम डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से क्वेश्चंस uh, को कवर अप करते हैं तो एक दो क्वेश्चन रिपीट भी हो जाता है ठीक है तो प्रीवियस सीरीज से हो सकता है इसमें एक दो क्वेश्चन रिपीटेड हो लेकिन कुछ क्वेश्चन न्यू भी होंगे इस बात की मैं श्योरिटी लेती हूँ ठीक है अभी हम शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना देरी के देखिए लास्ट जो हमने कवर uh, अप किया था तो लास्ट क्वेश्चन ये था हमारा मिल्टन लेफ्ट अ हाई रोड बिहाइंड हिम अलोंग विच मैनी ट्यूनफुल पॉपर हैज सिंस लिम्ड बट बिफोर हिम ही फाउंड नथिंग बट द जंगल एंड फॉल्स फायर्स ये कमेंट किसने किया था मिल्टन के बारे में यस yes, इसका करेक्ट आंसर था रैली ठीक है इसके आगे के क्वेश्चंस अब करेंगे हम देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ज दर्स्ट क्वेश्चन हु डिस्क्राइब मिल्टन स्टाइल एज अ सेट इन ब्रोकेड स्टेफ विद गोल्ड ये थोड़ा इरेज हो रहा है कर लेते हैं ब्रोकेड ठीक है ना ओके हु डिस्क्राइब मिल्टन स्टाइल एज अ सेटिन ब्रोकेड स्टेफ विद गोल्ड ऑप्शन आर ऑलिवर एल्टन मार्क पेटिशन डॉबरे रैले वट इज द करेक्ट आंसर किसने मिल्टन के स्टाइल को डिस्क्राइब किया है अ सेट इन ब्रोकेड स्टिप विद गोल्ड यस इसका करेक्ट आंसर है रैले ठीक है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट मिल्टन रोड नो लैंग्वेज हु सेड दिस किसने कही ये बात मिल्टन रोड नो लैंग्वेज जॉनसन बैन जॉन्सन आर्नोल्ड इलियट वॉट इज द करेक्ट आंसर यस, द राइट आंसर इज डॉक्टर जॉन्सन ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं द नेम ऑफ मिल्टन इज विकम द नेम ऑफ मिल्टन इज विकम द मार्क नॉट ऑफ बायोग्राफी नॉट ऑफ अ थीम बट अ स्टाइल

स द करेक्ट आंसर इज रैले ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर मूविंग टू द नेक्स्ट नेक्स्ट सॉलीट सम बेस्ट सोसाइटी पैराडाइज लॉस्ट बुक नाइन देखिए पैराडाइज लॉस्ट की बुक नाइन से क्वेश्चन ये स्टेटमेंट है स्टेटमेंट इज सॉलिट्यूड समटाइम्स इज द बेस्ट सोसाइटी कौन कहता है इसे तो ये तो आपके लिए इजिएस्ट हो गया क्योंकि इसमें जैसे हम मिल्टन की एमसीक्यूज की सीरीज कर रहे हैं तो आंसर भी सीधा-सीधा आपको पता ही है कि पैराडाइज लॉस्ट किसने लिखा है जॉन मिल्टन तो राइट आंसर इज जॉन मिल्टन नेक्स्ट चलते हैं मिल्टन वाज ऑफ डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट मिल्टन जो थे वो डेविल की पार्टी में थे विदाउट नोइंग इट हु सेड किसका स्टेटमेंट है ये ऑप्शंस आर ब्लेक डॉबरी पिटिशन नन ऑफ दीज क्या होगा राइट आंसर हु स्पीकर यस द राइट आंसर इज ब्लेक ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर विलियम ब्लेक नेक्स्ट चलते हैं मिल्टन स्टेबल एज मॉरल मिल्टन स्टेबल एज अ मॉरल बींग इज आर इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड यहां पर है सुपीरियर एस यू पी ई आर आई ओ आर यहां पर नेक्स्ट मिला आर लिखा हुआ है ठीक है मिल्टन स्टेबल एज अ मॉरल बींग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड हू सेड देखिए ये स्टेटमेंट जो होती हैं वो एग्जैक्टली exactly हमें रटनी ही पड़ती है क्योंकि आ, कितनी भी ज्यादा स्टेटमेंट हो हम उन्हें अंडरस्टैंड नहीं कर सकते या फिर कोई ना कोई हमें ट्रिक लगानी ही पड़ती है जिससे हमें ये याद रहे तो देखते हैं ये स्टेटमेंट किसकी है ब्लैक डॉबरी शैली नन ऑफ दीज हु स्पीकर यस yes, ये जो स्टेटमेंट दी है वो दी है पीबी शैली ने ठीक है पीबी शैली कहते हैं मिल्टनस टेबल एज इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड ओके नाउ नेक्स्ट हु द म्यूजिक ऑफ मिल्टंस वर्ड किसने लिखा है ये हु द म्यूजिक टू मिल्टंस वर्ड्स द म्यूजिक टू मिल्टंस वर्ड्स ऑप्शन आर हेनरी लैबिस डॉबरी माइकल एंजेलो राफेल इज द करेक्ट आंसर द म्यूजिक टू मिल्टन वर्ड्स यस द राइट आंसर इज हेनरी लॉज ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेनरी लॉज हेनरी लॉज रोट द म्यूजिक ऑफ मिल्टन वर्ड्स ओके नेक्स्ट चलते हैं द सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन इज आपको पता ही है कि मिल्टन ने अपने पूरे लाइफ टाइम में चार बार शादी की है तो इन्होंने इसमें पूछा गया कि इनकी सेकेंड वाइफ का नेम क्या था ठीक है द सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन इज ऑप्शन आर कैथरीन वुडकॉक मैरी पॉवल एलिजाबेथ मिंसल नन ऑफ दीज बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर द सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन देखिए लास्ट ऑप्शन तो नन ऑफ दीज है आपको तीन ही ऑप्शन में से ही देखना है तो थर्ड है एलिजाबेथ मिंसुल एलिजाबेथ मिंसुल ठीक है तो इन तीनों ऑप्शन में से बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर कैथरीन बुडकॉक, मैरी पॉबल एलिजाबेथ मंसुल सोचिए आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर यस इसका करेक्ट आंसर है कैथरीन वुडकॉक द सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन वाज कैथरीन वुडकॉक ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड इन किस एज में जाकर मिल्टन टोटली ब्लाइंड हो गए थे 1650, 1651, 1652 या 1653? करेक्ट आंसर मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड इन 1652 ऑलराइट नाउ नेक्स्ट दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट वेयर डज दिस लाइन अपियर बहुत ही फेमस लाइन है अक्सर पूछी जाने वाली लाइन ठीक है आपको नोट डाउन कर लेना है अपनी नोटबुक में ये इंपॉर्टेंट लाइन है दे आल्सो सर्व हु ओनली वेट एंड ओनली स्टैंड एंड वेट वेयर डज दिस लाइन अपीयर ये लाइन हमें कहाँ देखने को मिलती है ऑप्शंस आर मिल्टनस पैराडाइज लॉस्ट मिल्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस मिल्टंस कॉमर्स नन ऑफ दीज तो इस ऑप्शन को हम कट कर सकते हैं बाकी तीन ऑप्शंस में से आपको बताना है दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट Yes, ये बहुत ही फेमस लाइन है किसकी मिल्टनस ऑन हिज ब्लाइंडनेस की और आपको ये भी बात पता होगी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो इनकी मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है ठीक है नाउ नेक्स्ट मिल्टन स्टार्टेड राइटिंग इट देखिए किसी वर्क के बारे में बात हो रही है इट से मतलब यहां पे मिल्टन के किसी वर्क से है मिल्टन स्टार्टेड राइटिंग इट इन 1658 इन्होंने इसे लिखना शुरू किया 1658 में कंप्लीटेड इट

ये ऐसा कौन सा वर्क है बताइए इन्होंने इसकी इस लिखनी शुरू इसे लिखना शुरू किया था 1658 में 1663 में जाकर कवर अप किया पूरा कंप्लीट किया उसके बाद वही ईयर इनकी थर्ड मैरिज का था उसके बाद इन्होंने इसे फिर से रिवाइज किया 1663 से लेकर 1665 तक और इसे पब्लिश किया गया है सिक्सटीन में अब तो आपको बहुत सारे हिंट मिल गए होंगे क्या होगा इसका राइट आंसर यस ऑप्शंस आर क्या है ऑप्शंस आर पैराडाइज रिगेन पैराडाइज लॉस्ट कॉमर्स नीज तो इस ऑप्शन को आप हटा सकते हो ऑलरेडी और इसमें क्या होगा यस पैराडाइज लॉस्ट ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलते हैं इन 1671 मिल्टन इशूड हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री विथ कंटेंट देखिए सॉरी 1671 में मिल्टन ने अपना लास्ट पोएटिक कलेक्शन को पब्लिश किया था लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री ठीक है उनका एक पोएटिक कलेक्शन था वो पब्लिश किया गया इसमें पूछा जा रहा है कि उस पोएटिक कलेक्शन में इनमें से कौन सी पोएम अवेलेबल थी या कौन सी पोइम थी उसके अंदर ऑप्शन आर पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रीगेन पैराडाइज लॉस्ट एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस पैराडाइज रीगेन एंड सैमसन एगनिस्ट क्या होगा राइट आंसर In 1671, Milton issued मिल्टन last लास्ट of पोएट्री which contained. सोचिए आंसर कीजिए देखिए अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा कि पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ है लगभग 1667 में और ये कह रहे हैं कि 1671 में मिल्टन ने अपने पोइटिक कलेक्शन को पब्लिश किया तो ठीक है पैराडाइज लॉस्ट तो नहीं हो सकता फिर इसमें ओके okay? इसी आधार पे हम कर सकते हैं जिसमें पैराडाइज लॉस्ट है उसे हम कट कर देंगे ठीक है अब हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है ऑप्शन सी पैराडाइज रिगेन एंड सैमसन एगेनिस्ट दिस इज द राइट आंसर ओके ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलते हैं द पीरियड नन एज द एज ऑफ मिल्टन वो कौन सा पीरियड है जिसे एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है द पीरियड नन एज द एज ऑफ मिल्टन सिक्सटीन टू एटी ट्वेंटी टू सिक्सटी फाइव सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटी या सिक्सटीन ट्वेंटी एट टू सिक्सटीन फिफ्टी फाइव क्या होगा करेक्ट आंसर सोचिए और आंसर कीजिए और देखिए अपना इवेलुएशन आपको खुद करते हुए चलना है अपनी नोटबुक पेन लेकर बैठिए और अपने आंसर्स खुद क्लिक करते हुए चलिए और देखिए कि आपके कितने आंसर्स लग रहे हैं कितने करेक्ट हो रहे हैं ठीक है और जो क्वेश्चन रिवाइज भी हुए हैं तो उनका आंसर आपको फिर से रिवाइज़ हो जाएगा ठीक right yes, है राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे यस सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव टू सिक्सटीन सिक्सटी एज ऑफ मिल्टन नेक्स्ट चलते हैं एज ऑफ मिल्टन है थ्री काइंड ऑफ पोएट एज ऑफ मिल्टन में तीन प्रकार के पोएट्स देखने को मिलते हैं हमें ठीक है थ्री काइंड ऑफ पोएट्स वो कौन सी कैटेगरीज है रिलीजियस पोएट हीरोइक पोएट और प्यूरिटन पोएट मेटाफिजिकल कैवेलियर प्यूरिटन मेटाफिजिकल रोमांटिक ड्रामेटिक या कैवेलियर रिलीजियस क्लासिकल वॉट इज द करेक्ट आंसर सोचिए आंसर कीजिए थ्री काइंड ऑफ पोएट्स यस द राइट आंसर इज मेटाफिजिकल क वैलियर प्यूरटन ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं पैराडाइज लॉस्ट वॉज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ इज लाइफ पैराडाइज लॉस्ट को मिल्टन ने अपनी लाइफ के कौन से फेज में लिखा था मिल मिडल फेज लास्ट फेज स्टूडेंट फेज या फर्स्ट फेज आप पब्लिकेशन डेट से भी अंदाजा लगा सकते हैं वॉट इज द करेक्ट आंसर दिस इज ऑल्सो इजी वन यस द लास्ट फेज ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट इट इज श्योरली द सिंपल फैक्ट दैट इफ पैराडाइज लॉस्ट एग्जिस्ट फॉर एनी वन फिगर दैट इज सेटन हु सेज किसकी स्टेटमेंट है ये इट इज श्योरली द सिंपल फैक्ट दैट इफ पैराडाइज लास्ट एग्जिस्ट फॉर एनी वन फिगर दैट इज सेटन ऑप्शन्स आर एल ए क्रॉम्बे ब्लेक, सेंट्सबरी डब्ल्यू जे लॉन्ग। सोचिए आंसर कीजिए येस क्या होगा इसका राइट आंसर यस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एल ए क्रॉम्बे नेक्स्ट चलते हैं सॉरी फोर ट्री रेफर टू जो फोर ट्री था किसमें जिक्र हुआ था इसका अच्छा इसका जिक्र होता है पैराडाइज लॉस्ट में ठीक है तो फोर ट्री किसे रेफर करता है द ट्री ऑफ नॉलेज द ट्री ऑफ इग्नोरेंस द ट्री ऑफ प्लेजर मैन ऑफ दीज तो इस ऑप्शन को आप हटा भी सकते हो तीन ऑप्शन में से सोचिए द ट्री ऑफ नॉलेज ट्री ऑफ इग्नोरेंस ट्री ऑफ प्लेजर सोचिए आंसर कीजिए यस द राइट आंसर इज ट्री ऑफ नॉलेज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट चलते हैं मिल्टन वाज वन ऑफ दी टावरिंग लिटरेरी पर्सनैलिटीज ऑफ देखिए मिल्टन वॉज वन ऑफ द टावरिंग लिटरेरी पर्सनैलिटीज ऑफ एलिजाबेथन प्यूरिटन प्यूरिटेज क्लासिकल एज नन ऑफ दीज तो किस एज की लिटरेरी पर्सनैलिटीज हैं ये यस द राइट आंसर इज प्यूरिटन एज ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं पैराडाइज लॉस्ट इज इन पैराडाइज लॉस्ट को बेसिकली किस जॉनर में लिखा गया है आई पेंटामीटर आई हेक्सामीटर, हेग्जामीटर आई एम बिक ट्रेट्रामीटर नैन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सोचिए आंसर कीजिए पैराडाइज लॉस्ट इज इन यस द राइट आंसर इज आई एम बेग पेंटा मीटर ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं द थीम ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट इज पैराडाइज लॉस्ट की थीम क्या थी ये थीम क्या है बताइए वट वॉज द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट फॉलो ऑफ वुमन फॉलो ऑफ मैन फॉलो ऑफ सेटन फॉलो ऑफ गॉड क्या होगा इसका राइट आंसर सोचिए आंसर कीजिए फॉलो वुमन फॉलो ऑफ मैन फॉलो ऑफ सेटन फॉलो ऑफ गॉड यस दिस इज ऑल्सो इज इवन फॉल ऑफ मैन ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं मिल्टन रोड द पैराडाइज लॉस्ट बताइए मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी ड्यूरिंग जैकोविन पीरियड ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ पीरियड ड्यूरिंग या आफ्टर किंग चार्ल्स रेस्टोरेशन नन ऑफ दीज बताइए तीन ऑप्शन में से देखिए और सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट लिखी डूरिंग जेकोविन पीरियड ड्यूरिंग कॉमनवेल्थ पीरियड आफ्टर किंग चार्ल्स रेस्टोरेशन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर यस द राइट आंसर इज ड्यूरिंग जैकोबिन पीरियड ओके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं इन पैराडाइज लॉस्ट बुक वन द सीन ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस इन पैराडाइज लॉस्ट बुक वन में जो एक्शन सीन होता है वो कहां पर टेक प्लेस होता है मतलब किस जगह पर फिल्माया गया है हेवन अर्थ नन ऑफ दीस बताइए क्या होगा राइट आंसर सोचिए आंसर कीजिए स द राइट आंसर इज हेल्थ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर नेक्स्ट आई मे एटर्नल प्रोविडेंस आई मे एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन देखिए यहां पर जो ब्लैंक है ना इसे फिल करना है आई मे के बाद उस लाइन में क्या कहा जाता है आई मे डैश एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन तो क्या आएगा आई में स्टेट आई मे असर्ट आई मे डिक्लेयर या आई मे से सोचिए आंसर कीजिए क्या आना चाहिए इस ब्लैंक में यस द राइट आंसर इज असर्ट ठीक है आई मे असर्ट एटर्नलिडेंस एंड जस्टिफाई देश गॉड टू मैन ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट चलते हैं वॉट इन मी इज डार्क वॉट इन मी इज डार्क एल्यूमाइन वॉट इज लोअ एंड सपोर्ट हु इज मी इन दीज लाइन देखिए यहां पे मी से किसे इंडिकेट किया गया है ये पूछा जा रहा है वॉट इन मी इज डार्क एल्यूमाइन व्हाट इज लो रेज एंड सपोर्ट ऑप्शन आर शिक्सपियर मिल्टन सेटन एडम किसे इंडिकेट करते हैं हम मी से सोचिए आंसर कीजिए वॉट इन मी इज डार्क यस द राइट आंसर इज मिल्टन ठीक है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच डेविल इज सेटन सेकेंड इन कमांड बताइए वो कौन सा डेविल था जो सेटन सेटन का सेकेंड इन कमांड था ऑप्शन आर बेलजीब बेलियाल एबल केन What is the करेक्ट आंसर विच बेबल इज सेटन second इन command? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर यस, इसका राइट right आंसर है बेल्जीबब, ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट टैलेंट स्टैंड फोर देखिए यहाँ पर टैलेंट के बारे में इस तरीके से पूछा जा रहा है कि मतलब टैलेंट वर्ड से इसमें यहाँ पर किस टैलेंट से आ, माना जाता है ठीक है टैलेंट तो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन इ, बेसिकली इसमें पोइटिक जो ये पैराडाइज लॉस्ट है इसमें किस वाले कौन से वाले टैलेंट की बात की गई है पोइटिक टैलेंट सिंगिंग टैलेंट म्यूजिक टैलेंट या फिर नन ऑफ दीज तो इसे तो ही कर दो तो, ठीक है तीन ऑप्शन में से बताना है पोइटिक टैलेंट सिंगिंग टैलेंट म्यूजिक टैलेंट क्या होगा इसका राइट आंसर सोचिए आंसर कीजिए यस द राइट आंसर इज पोइटिक टैलेंट ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर नेक्स्ट सेटन सीड्यूसिस बताइए सेट सेड्यूसेस डायना एडा या एडा भी बोल सकते हो ईव क्या होगा इसका राइट आंसर सेड्यूसेस यस द करेक्ट आंसर इज ईव ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट आंसर नेक्स्ट इविल इज रिप्रेजेंटेड बाय बायल किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है एडम एबल बुल तो देखिए आपने अगर लॉस्ट को पढ़ा है तो उसमें आपने जाना होगा कि जो सैटन होता है वो कई सारे बेस बदल कर आता है सामने ठीक है तो इस बारे में बात की जा रही है कि ईविल इज रिप्रेजेंटेड बाय एडम एबल बुल या सरपेंट किसके द्वारा ईबिल को मतलब बुराई को रिप्रेजेंट किया गया है एडम के द्वारा एबिल के द्वारा बुल के द्वारा या सरपेंट के द्वारा क्या होगा इसका राइट आंसर सोचिए आंसर कीजिए यस yes, इसका राइट आंसर है सरपेंट ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट चूजन सीड्स रेफर टू जो चूजन सीड्स हैं वो किसे रेफर करते हैं इजराइल्टीज इजिप्शियंस बोथ आर करेक्ट या बोथ आर रोंग चूजन सीड्स रेफर टू सोचिए आंसर कीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर यस yes, इसका करेक्ट आंसर है इजराइल टीज ठीक है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है फिर आज के लिए हम इतना ही रखेंगे आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए अभी लास्ट टू डेज़ से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी चैनल पर क्योंकि कुछ मुझे अपना काम था इस वजह से अभी हम हमारी ग्रामर की भी कुछ दिन से वीडियो नहीं है हो पा रही है तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको कल वो वीडियो प्रोवाइड करूँ के वर्ब का जो हमारा पार्ट बच रहा है उसके बाद हम काफ़ी सारे कम से कम हंड्रेड से लेकर टू हंड्रेड तक के वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे और उससे पहले मैं वर्ब के एक दो कॉन्सेप्ट बाकी थे उन्हें कवर अप कराऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि कल मैं आपको ये वर्ब की वीडियो भी अपलोड कर दूँ ठीक है और ये जो एम बचे हैं अभी मिल्टन के ये एक दो वीडियो में और होंगे और उसके बाद आपको सजेस्ट करना है कि नेक्स्ट आप किस राइटर पर क्वेश्चन चाहते हैं जिस भी राइटर के लिए आप एम को बोलोगे वही मैं आगे कवर अप करूँगी तो आपको जब तक कि मिल्टन की दो तीन वीडियो और बाकी हैं दो तीन मतलब लगभग फिफ्टी टू हंड्रेड क्वेश्चन बाकी हैं उन्हें और कर लें हम उसके बाद आपको बताना है कि नेक्स्ट जो राइटर है या जो पोएट है हम कौन सा कवर अप करें ठीक है आज से ही आप अपना सजेशन दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी थैंक यू